Example number 16, 12 maths are basic chapter number 12. Divide upon x equals to 3xy plus y square upon 3x square. इसको मुझे एक differential equation को solve करना है. तो सबसे पहले देखिए form कौन सी है. पहले check करते हैं variable separation है क्या. तो variable separation तो ये है नहीं. तो अब देखते हैं समघात यानी homogeneous. तो यहाँ पर इसकी power कितनी है. इसकी 1 में divide 2 होगी. इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो ये समघात considered है. अब ऐसे कंडीशन में जब ये समघात डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो मैं y upon x equals to v ले लिया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें dx डिफरेंशियल करेंगे तो dy upon dx equals to vx का वन हो जाएगा x और ये dv upon dx. यहां पर dy upon dx की वैल्यू पुट करते हैं तो v plus x ये dv upon dx is equals to यहाँ पर 3x y की जगह रख देंगे vx plus v square x square जो कि y square है upon 3x square. यहाँ पर x और ये dv upon dx आइडेंटिटी रहेगा. v को राइट साइड से कर दें और उससे पहले एक कॉमन भी ले लें इसमें तो x square कॉमन आ जाएगा. अगर यहाँ बच जाएगा 3v और प्लस का v स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल और ये माइनस का वन. अब आपसे सिर्फ एलसीएम लेने के अलावा कुछ बचता नहीं है. हां एलसीएम आ जाएगा 3 ये है मेरे पास 3v प्लस v स्क्वायर माइनस 3v 3v से 3v कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट्स हैं मेरे पास वो है x into dv upon dx is equals to v square upon 3. अब variable separation में change कर सकते हैं इसको. v एक तरफ और x एक तरफ हो जाएंगे तो 3 upon v square cross multiplies 3 ऊपर और v square upon में और ये मेरे पास dv और dx पड़ा है. इसका हो जाएगा 1 upon x and dx x upon में चला जाएगा और dx cross multiply से ऊपर हो जाएगा. अब इसका integral कर लेते हैं तो 3 तो कांस्टेंट है 1 अपॉन v स्क्वायर का x ऊपर n लगाएंगे तो कितना आएगा माइनस 1 अपॉन v आ जाएगा इज इक्वल्स टू यहां पर 1 अपॉन x का कितना हो जाएगा log x टू द बेस c और ये प्लस c. v की वापस वैल्यू पुट करते हैं v की वैल्यू कितनी है देखो y अपॉन x ये हो जाएगा माइनस 3 y अपॉन x यानी कि x अपॉन y इज इक्वल्स टू ये हमारे पास log x और ये प्लस का c आ जाएगा. अब अगर आप चाहें तो इस माइनस को शिफ्ट भी कर सकते हैं नहीं तो हमारे पास ये एक वैज ट्रांसफर है. मैक्सिमम आप चाहो तो कर दो बोले शिफ्ट 3 को शिफ्ट कर दो माइनस x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 log x प्लस c अपॉन 3 c अपॉन 3 को देख मैं कांस्टेंट है तो x अपॉन y इक्वल्स टू 1 बाय 3 log x और ये प्लस इसको c1 कह सकते हैं या कैपिटल c ये कहते हैं और एक माइनस यहाँ पर लेफ्ट साइड में माइनस में माइनस होने के लिए अवेलेबल है. ये इसका आंसर आ गया. एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सावधानी पूर्वक करें और इंटीग्रेशन में पूरा ध्यान रखें. एग्जाम्पल 17 में देखो डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस tan y अपॉन x. ऐसी कंडीशन के अंदर आप इसमें होमोजेनियस फॉर्म बन रही है तो y अपॉन x को v ले सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. अब इसका डिफरेंशियल कर दो x के रेस्पेक्ट में तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v x का वन हो जाएगा x और v का dv अपॉन dx. यहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू ये y अपॉन x को v लिख देंगे प्लस ये हमारे पास हो जाएगा टेन. अब दोनों तरफ से वी को हटाए दें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन वी और डी. इंटीग्रल लगा दें दोनों तरफ 1 अपॉन x ये dx एज इट इज 1 अपॉन टेन वी को लिख सकते हैं cot v और dv. अब और 1 अपॉन x का हो जाएगा log x और दिस इक्वल्स टू cot का याद करो
log sin v, और सारे log में तो इसको log c लिख सकते हैं constant रूप, log m plus log n कर दें, तो log of c sin v, और ये हमारे पास log x, दोनों तरफ से log हटा देते हैं, तो x equals to लगेगा c sin v, और v की वैल्यू मेरे पास y upon x, तो sin y upon x, ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सादा है, थोड़ा है। एग्जांपल नंबर 18, x sin y upon x dy upon dx equals to y sin y upon x minus x। इसमें सबसे पहले dy upon dx निकाल लें, y sin y upon x minus x upon x sin y upon x। अब तो होमोजेनस फॉर्म है, लेट y upon x equals to v, तो y equals to जाएगा vx, इसका अगर डिफरेंशियल x का रिस्पेक्ट में, तो dy upon dx equals to क्या हो जाएगा, x का 1 और x और v का हो जाएगा dv upon dx। इस dy upon dx के लिए वैल्यू करते हैं, तो x dv upon dx is equals to v की, तो y की जगह रख देंगे vx, ये sin v minus x upon x और ये sin v हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, v sin v minus 1 upon ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये sin v बन जाएगा। और यहाँ पर देखो ये है मेरे पास v plus x और ये dv upon dx, इस वाले v को ना फिर राइट साइड शिफ्ट कर दो, माइनस भी हो जाएगा, अब इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा साइन वी, वी साइन वी माइनस वन माइनस वी साइन वी, वी साइन वी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास रिजल्ट क्या है देखो, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ये साइन। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा साइन बी और डी बी इक्वल्स टू माइनस वन बाई एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, तो पहले एक्स वाली टर्म को उधर ले आओ, वाली वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस नहीं रख लें साइन बी और ये डी बी। अब इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स टू दी बेस ई और साइन बी का कितना होगा माइनस कॉस और माइनस ऑलरेडी पड़ा तो प्लस कॉस हो जाएगा प्लस कॉस बी और ये प्लस कॉन्स्टेंट है सी। यहां से मेरे को एक्स इंटीग्रल टू निकालना है तो एक तो बी की वैल्यू हम लेंगे एक इस तरफ से लॉग हटाते हैं तो लॉग यहां से हटाते हैं ये पावर बेस कितना ई है ना तो ये सारी वैल्यू ई की पावर में चली जाएगी e to the power cos v plus c। इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं तो यहां पर e की पावर c और e की पावर cos v। अब e to the power c खुद एक नया कांस्टेंट हो गया तो इसको आप बड़े कैपिटल c लिख दो बड़े आप c 1 लिख दो एक ही बात है बड़े कैपिटल a भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है e की पावर cos v की जगह वापस वही वैल्यू अपने y अपॉन x में रख दो और यहां ये x ये इसका ये था कांस्टेंट वाला तो अच्छे से समझ लें कि भी प्लस सी लगाया मैंने यहां से लॉग हटाएंगे ना तो ये बेस होता है ना उसकी ये पावर बन जाती है पूरी वैल्यू और वापस इसको स्प्लिट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा बेस सेम होने पर देखो पावर ऐड होती है ऐड हो रखी है तो वापस अलग करेंगे तो e की पावर सी अलग हो जाएगा e की पावर cos भी अलग हो जाएगा e टू द पावर सी खुद एक नया कांस्टेंट हो गया उसको मैंने c1 बोल दिया और यहां e की वैल्यू रख दी x = c1 e cos e की पावर cos y upon x आंसर आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सावधान रहो। एग्जांपल नंबर 19 x divided upon dx equals to y log y minus log x plus 1। इसमें देखो इसको होमोजेनस फॉर्म में बन रही है इसमें dy upon dx equals to x को upon में लिया तो y upon x यहाँ पर log m माइनस log n log m अपॉन n हो जाएगा
और ये प्लस वन प्रॉपर्टी देखो log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n, इसको रिवर्स पढ़े तो log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n होता है। ये वाली प्रॉपर्टी अपने इसमें यूज कर ली। अब लेट y अपॉन x इक्वल्स टू v ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू v, और x का हो जाएगा 1 प्लस x और v का हो जाएगा ये dv अपॉन dx। ये dy अपॉन dx की वैल्यू इसमें सेट कर दो तो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू यहां क्या आ जाएगा, ये v और ये हो जाएगा log v और v प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर दें और इस v को ट्रांसफर कर दें, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v log v प्लस v और ये माइनस v कौन सा लेफ्ट से आ गया, प्लस v और माइनस v कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करके आराम से स्प्राइट कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन आ गया तो इसको ये अपॉन में ले लें, वन अपॉन v log v और ये dv, ये इधर आ गया और ये आ जाएगा वन अपॉन x एंड dx। नॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल अप्लाई करें, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन v और ये हो गया log dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ऑफ dx। इसका डिफरेंशियल जस्ट ऊपर पड़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ log v, जो ये फंक्शन होता है ना ये यहां जाता है log के अंदर, इज इक्वल्स टू log x और सारे log में है तो आप कांस्टेंट को भी log c है, यहां पर वापस log m प्लस log n अप्लाई कर रहे हैं तो log m इनटू n आ जाएगा log of cx and log of log v, दोनों तरफ से log हटा देंगे तो log v उसको आ जाएगा log a log आ गया cx। अब वापस इसमें एक काम करो, v की वैल्यू रख दो वापस ना, v की वैल्यू कितनी y upon x, तो log of y upon x to the base v is equal to cx, ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है और उसमें इंटीग्रल कैसे होगा ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है होमोजेनियस फॉर्म का। एग्जांपल 20, इसके अंदर देखो dy / dx = 7x - 3y - 7 / 7y - 3x + 3, इसमें कंफ्यूज करने के लिए दोनों 7 साथ रख दिए और दोनों 3 साथ रख दिए, बट अपन इसको ऑब्जर्व करो यहां x और ये y है, यहां y और ये x है। सबसे पहले इसको उसकी बेसिक फॉर्म में लेके आते हैं, यानी पहले x और बाद में y, 7x माइनस 3y माइनस 7, इसको पहले ले लो माइनस का 3x प्लस 7y और ये प्लस 3। अब ये होमोजेनियस तो नहीं है यानी समघात तो नहीं है, बट समघात में ये बदली जा सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं a अपॉन a डैश को, a अपॉन a कौन होता है इसका कोएफिशिएंट और a डैश कौन सा होता है इसका कोएफिशिएंट। इसी तरह से अपन b अपॉन b डैश को चेक करते हैं y का कोएफिशिएंट, और यहां से तो ऑब्जर्व करने से क्या मिला a अपॉन a डैश नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। ऐसा अगर होता है तो लेट स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k, यानी कि dx इक्वल्स टू ये dx हो जाएगा और यहाँ पर dy इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो न्यू फॉर्म जनरेट हुई ना वो कैसी हुई वो देखो, यहाँ से तो आ जाएगा d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x, ये स्मॉल x और स्मॉल y है उसमें फर्क महसूस होना चाहिए, इस तरह से लिखना है इसको। अब ये हमारे यहाँ 7 है और स्मॉल x की जगह लिखना है कैपिटल x प्लस h माइनस 3 कैपिटल y प्लस a एंड माइनस 7। इसी तरह से ये यहाँ 7, यहाँ पर ध्यान रखो y है कैपिटल y प्लस a एंड माइनस 3 ये कैपिटल x प्लस h एंड प्लस 3। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये 7x आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 3y आ जाएगा, फिर ये लास्ट वाला माइनस का 7 है। अब आप इसमें देखो यहां पर कितना है 7h प्लस का
7h और यहां से आ जाएगा -3 और ये -7। यहां पर देखो -3x पहले थी प्लस का 7y और माइनस का 3h और प्लस का 7k एंड प्लस। अब ये इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो, यहां पर है ना ब्रैकेट करना, यहां प्लस बना के फिर यहां माइनस कर दे। देखो अब इसकी वैल्यू h और k इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इनकी h और k की वैल्यू इस तरह से होती है कि ये पार्ट जीरो हो जाए ये पार्ट भी जीरो हो जाए। मीन्स 7h माइनस 3k माइनस 7h इक्वल्स टू 0 और ये माइनस का 3h प्लस का 7k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, पहले इसको सिंपलीफाई करके h और k की वैल्यू निकालना है। माइनस 3k इक्वल्स टू 7 और माइनस का 3h और प्लस का 7k इक्वल्स टू -3। इसको छोटा नंबर फर्स्ट और सेकंड है। अब इसको एलिमिनेशन करना है तो इसको तो कर लेते हैं अपन 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ये 21h और माइनस का 9k इज इक्वल्स टू 20। इसको हम 7 से करेंगे तो माइनस का 21h प्लस का 49k इज इक्वल्स टू माइनस का 21। दोनों को ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल, यहां से ये चला जाएगा 40k और ये हो जाएगा 0 मींस k इज इक्वल टू 0 है। इसी तरह से k की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें, यहां डालें तो 0 हो जाएगा और 7 अपन h आ जाएगा मेरे पास में मान। तो h और k दोनों की वैल्यू निकाल दें, ये आपको याद रखनी है। अलग से देखने बोले क्या क्या ऐड किया हुआ है मेरे पास में, एक तो स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल h प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k, और h और k की वैल्यू आ गई पास को यहाँ पुट कर देते हैं, h की वैल्यू आ गई प्लस 1 और k की वैल्यू आ गई मेरे पास में 0 माइनस 1 की वैल्यू आ गई होगा, ये अभी याद रखना यहाँ पर। और अब आपके पास पहले कॉपी कर लो, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब ये पूरी पूरी होमोजेनियस फॉर्म में चेंज हो चुकी है, इसको हटा देता हूँ। तो जो नई फॉर्म बनी ना वो क्या बनी, देखो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एस आ रहे, ये 7x माइनस 3y अपॉन माइनस का 3x और प्लस का 7y, बाकी तीन चीज हो गए। और इसको हमारे को सॉल्व करना है पूरा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सावधानी के साथ सॉल्व करें। अब ये होमोजेनियस फॉर्म बन गए, ऐसी कंडीशन में लेट y अपॉन x इक्वल्स टू v, ध्यान में कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं, y इक्वल्स टू v और कैपिटल x डिफरेंशियल करें x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v, x का 1 हो जाएगा x और ये dv अपॉन dx, स्मॉल लेटर यूज नहीं करने यहां पर, इस dy अपॉन dx की वैल्यू रखते हैं तो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू यहां पर 7x माइनस 3 y की जगह रखते हैं dx अपॉन माइनस का 3x प्लस 7 यहाँ पर डी एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये 7 माइनस 3b एंड माइनस का 3 प्लस का 7b और माइनस का b, b कौन सा ये वाला लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया x, ये डी बी अपॉन डी एक्स, बहुत केयरफुल सावधानी से ये भी है ना। अब इसका ले लें एलसीएम, ये हमारे पास x dv upon dx is equals to इसको 7v minus 3 लिख देंगे, एलसीएम में ये ऊपर कितना है 7 minus 3v minus v bracket ये 7v minus 3,
अब आप ब्रैकेट ओपन करें तो आएगा ये हमारे पास 7 माइनस 3v माइनस का 7v स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 3v 7v माइनस 3 3v से 3v कैंसिल आउट और ये हमारे पास x dv अपॉन dx। अब आप सारे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में आ चुके हैं तो v सारे एक तरफ कर दो तो ऊपर आ जाएगा 7v माइनस 3 अपॉन यहां से 7 माइनस 7v स्क्वायर और ये हो गया dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x और ये dx इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। अब इसको दो अलग अलग पार्ट्स में लिख लो तो 7v इंटीग्रल अपॉन 7 माइनस 7v स्क्वायर एंड dv माइनस 3 कांस्टेंट है 1 अपॉन 7 माइनस 7v स्क्वायर और ये dv कौन सा ये वाला माइनस है ना और इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ऑफ dx। अब आप बहुत केयरफुली इसको समझते रहेंगे यहां से ना एक काम कर सकते हैं यहां से माइनस कॉमन ले लें और इसको प्लस बनाते हैं और यहां से भी 7 कॉमन ले सकते हैं तो इसको भी माइनस 7 कॉमन ले लें तो माइनस 1/7 एक 7 ये बड़ा है v अपॉन ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 dv यहां से माइनस लेंगे तो प्लस और 7 भी ले लो तो 1 अपॉन ये भी हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ऑफ dx x क्या है कैपिटल ये dx ठीक है ना। इस तरह से हमने यहां पर लिखा पहले इसको कॉपी करो फिर आगे करते हैं। अब इसको रिमूव कर देते हैं यहां से y अपॉन x को v दिया गया है कैपिटल y इक्वल्स टू v x इस तरह जाने के लिए यानी कि y अपॉन x इज इक्वल्स टू v है। ये 7 से ये 7 कैंसिल माइनस है ना इस माइनस को सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आगे प्लस हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 dv माइनस सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 अपॉन 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन सारे कैपिटल x है और ये हमारे पास dx। अब आप इसमें देखो इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे v स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल अगर ऊपर हो जाए तो बहुत इजी हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करो तो अब इसका डिफरेंशियल ऊपर पड़ा है 1 अपॉन 2 log of v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3/7 यहां पर फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला तो 1 अपॉन 2 a होता है a की जगह यहां 1 है और log of कितना हो जाएगा इसके अंदर v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 इसी तरह से दिस इक्वल्स टू माइनस log of कैपिटल x सारे log में है तो इसको भी आप log c ले सकते। अब आप इसमें देखो कि log x को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर सकते हैं ये अगर सॉल्व करें इसमें 1/2 log of v स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये ना 3 अपॉन 14 है और ये 1/2 है इस 1/2 को इसके ऊपर लगाते हैं जो कांस्टेंट है ऊपर जा सकता है लॉग में और इसमें ये माइनस log of v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 होल पावर कितना जाएगा 3 अपॉन 14 प्लस log x
और इज इक्वल्स टू लॉग सी। अब आप इस लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दें, लॉग ये माइनस वाले अपॉन में आ जाता है और मल्टीप्लाई वाले प्लस में आ जाते हैं, प्लस वाले जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो लॉग ऑफ बी स्क्वायर माइनस वन होल पावर वन बाई टू, यहाँ पर आ गया एक्स, ये प्लस वाला अपॉन में आ जाएगा, वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन होल पावर थ्री अपॉन फोर्टीन इज इक्वल्स टू लॉग सी। दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हैं तो थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा, एक स्टेप और लिख लेंगे, लॉग हटा देते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वी प्लस वन और वी माइनस वन पावर कितनी है वन बाई टू, ये भी वन बाई टू, और ये इसको ऐसे प्रोपल कर देंगे तो ये हो जाएगा वी प्लस वन होल पावर थ्री अपॉन फोर्टीन अपॉन वी माइनस वन होल पावर थ्री अपॉन फोर्टीन। इस एक्स को बिल्कुल नहीं भूलना है, इज इक्वल्स टू ओनली सी, कॉपी करें पहले इसको। अब जो चीजें मिली है उसको समझना है कि v प्लस वन है, ये हमारे पास v प्लस वन है, v प्लस वन पावर कितनी बन गई इसकी, ये वन बाई टू है और यहां से मिल रही है आपको थ्री अपॉन फोर्टीन प्लस थ्री अपॉन फोर्टीन। उसके बाद में थोड़ा देखें v माइनस वन के बारे में सोचते हैं, v माइनस वन की होल पावर ये वन बाई टू माइनस थ्री अपॉन फोर्टीन, एक हमारे पास ये एक्स और एक दूसरा टू सी। अब इसका एलसीएम यदि सॉल्व करें पावर के अंदर 14 एलसीएम आ जाएगा तो 2 7 7 प्लस 3 10 अपॉन 14, इसी तरह से v माइनस 1 में 14 एलसीएम 7 माइनस से माइनस 3 4 4 अपॉन 14 और ये एक्स इक्वल टू सी। अब इसके अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से रिड्यूस हो रहा है, ये 7 और ये 5, यहाँ से ये 7 और ये 2। अब पावर 7 सबको दोनों तरफ पावर 7 लेने पर तो v प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, v माइनस 1 ये स्क्वायर हो जाएगा, ये x की पावर 7 हो जाएगी और इसी वस्तु c की पावर ये 7 हो जाएगा। तो कोई भी कॉन्स्टेंट होगा उसकी पावर 7 करेगा तो खुद ही नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और v की वैल्यू रखनी है y अपॉन x प्लस 1 होल पावर 5, y अपॉन x माइनस 1 होल पावर 2 एंड x की पावर 7 इक्वल्स टू नया कांस्टेंट c1 करते हैं, c की पावर 7 नया कांस्टेंट c1 हो जाएगा। y अपॉन x को मैं क्या लिख सकता हूं, y अपॉन x है ना हमारे पास एलसीएम लेते हैं इसका, इसका एलसीएम लेंगे तो पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, प्लस x और होल पावर यहाँ पर आ जाएगी 5, यहाँ पे 5 इंटू ये y माइनस x अपॉन x, ये पावर 2 है इसके ऊपर पावर 2, x की पावर 7 और ये c1, x की पावर 7 2 और 5। अब आप इसमें देखो y और x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू कितनी है, मुझे कैपिटल y कैपिटल x की वैल्यू लिखनी है, यहाँ से देखो x माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल x और यहां से दोनों इक्वल हो गए क्योंकि यहां पर k की वैल्यू 0 आ गई थी तो स्मॉल y और कैपिटल y सेम है। अब वैल्यू पुट करें तो y की जगह स्मॉल y लिखना है, x जगह स्मॉल x माइनस 1 लिखना है, स्मॉल x प्लस 5 माइनस 1 की होल पावर 5 और y की जगह स्मॉल y और x जगह x माइनस 1 है तो माइनस x और ये प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, ताकि सर कैंसिल हो गए इस बस टू कॉन्स्टेंट सी वन। ये एक बहुत लंबा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सावधानी पूर्वक स्टेप टू स्टेप करें तो इसका आंसर अच्छी तरह से आ जाता है। एग्जाम्पल 21 डिवाइड अपॉन डीएक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव माइनस वन, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है,
तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करो कि कौन सी फॉर्म बन रही है। ये होमोजेनियस तो डायरेक्ट बन रही है, लेकिन हम चेक करते हैं होमोजेनियस चेंज हो सकती है क्या। तो ए अपॉन ए डैस चेक करो, ए अपॉन ए डैस होता क्या है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, और फिर बी बी डैस देखो वाई के दोनों के ना, बी बी डैस इसका कोफिशिएंट और इस वाई का कोफिशिएंट दोनों इक्वल आ गए, 1 1 1 अपॉन 1 1 ही होता है, दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स प्लस वाई को बी ले लेते हैं। अब इसका करो डिफरेंशियल, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड इसका हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स। अब dy upon dx is equals to dv upon dx minus 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं, dv upon dx minus 1 is equals to x plus y को तो मैंने क्या ले लिया, v ले लिया और ये v minus 1, 1 को राइट साइड सेट कर दो, तो dv upon dx equals to 1 plus v plus 1 upon v plus 1। ये हमारे पास v minus 1, v minus 1 plus v plus 1, माइनस ऑफ प्लस वन कैंसिल आउट और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी और वी कितना हो जाएगा टू वी और ये वी माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वी माइनस वन अपॉन टू वी और यहां पर डी वी रहेगा इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया v upon 2v minus 1 upon 2v और ये dv is equal to integration of dx, ये से ये cancel हो गया। तो ध्यान से देखो ये तो 1 by 2 का constant है और यहाँ 1 बचेगा, 1 का integral हो जाएगा v minus 1 by 2 constant है, 1 upon v का हो जाएगा v of v is equal to square square plus। अब हमारे पास ये जो 2 है ना cross multiply से आप ऊपर भेज सकते हो उसमें, तो v माइनस ये log v इक्वल्स टू 2x प्लस 2c हो जाएगा, v की वैल्यू रख दो आप उसमें, v कितना था x प्लस y था, ये हो गया x प्लस y माइनस log ऑफ ये x प्लस y है ना और इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2c। अब 2x को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, एक प्लस एक्स पहले से बड़ा है, टू एक्स ऊपर से आ रहा है तो माइनस का एक्स हो गया, उसको लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू सी। अब सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई और ये माइनस का टू सी, माइनस का टू सी खुद एक नया कॉन्स्टेंट हो गया, ये हो गया x minus y plus log of x plus y is equal to c, या कैपिटल c भी दे सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली सॉल्व करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपको पूरी फॉर्म याद हो तो। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, जो भी अभी नए हैं वो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, पुराने हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, अपने ग्रुप्स में भी भेजें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।